लोग धोखा क्यों देते हैं? ये धोखा है क्या? अगर इवोल्यूशन का सहारा लें, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का सहारा लें, तो हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव वेज में जब हम आदि मानव के रूप में थे तो हम प्रकृति की शक्तियों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमें शिकार करना पड़ता था और इस आपाधापी में दुनिया भर के चीज़ें हमको करनी पड़ती थी। ऐसे में दो प्रवृत्तियों का हमारे अंदर विकास हुआ, एक तो कोऑपरेशन सहयोग और दूसरा बिट्रेयल धोखा देने की प्रवृत्ति। ये कैसे? उस समय के लोग जब शिकार पर जाते थे तो अकेले शिकार करना बड़ा मुश्किल होता था, तो एक हुजूम को एक टोली बनाकर जाते थे। ये टोली बनाना क्या है? सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। और फिर करते क्या थे? धीरे धीरे उस जानवर को जिसका शिकार करना पड़ता था, उसमें बड़े खतरनाक जानवर भी होते थे, तो उनके शिकार के लिए उनको शिकार को धोखा देना होता था। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं तेज़ी से आवाज़ करते हुए, कुछ पीटते हुए। अब शिकार जो था उधर से भाग के इधर आता था और इधर शिकारी अपना मिशन लेके बैठा और काम हो तमाम हो गया। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति एक तरह से जीवन जीने की प्रवृत्ति। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस समय से सहयोग करना भी सीख रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर धोखा देना भी सीख रहे थे। फिर वो दुनिया भर के जो संघर्ष हुए, दुनिया भर के युद्ध हुए, कबीलों के युद्ध हुए, और पिछली शताब्दियों के इतिहास तो युद्धों के इतिहास हैं। अब इसमें आप ये सोच सकें कि कोई किसी को धोखा नहीं देगा तो क्या करेगा, ऐसी हालत में तो ऐसा ही है। पर ये तो हुई हमारी एक प्रवृत्ति जो धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हुए यहाँ तक लाई है, चाहे वो कितनी भी निगेटिव हो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे मौक़ों पर भी हम छोटे छोटे धोखे देते रहते हैं और इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें याद आता है कि जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो फीस डे के दिन बस फीस जमा होता था, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। अब ऐसे में हमारे कुछ मित्रों में ऐसा होता था कि भाई अब छुट्टी का दिन है, क्या करें, तो सिनेमा देख लेते हैं। अब उस ज़माने में सिनेमा देखने की इतनी इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि आप कहीं चले जाओ सिनेमा देख लें। तो अब घर वालों को धोखा तो देना था, तो क्या करते थे? यही कि आज क्रिकेट का मैच है, आज देर में आएंगे, और बच्चा पार्टी जो है वो सिनेमा देख रही है, घर वालों को पता है कि बच्चा मैच खेल रहा है। तो ये छोटी मोटी हरकतें इस तरह की होती थी। घरों में भी हम छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं, बच्चों को धोखा दे देते हैं, अरे तुम्हारे लिए कल ऐसी चीज़ लाएंगे, और हम भूल जाते हैं, और अगर तुम पढ़ लोगे तो ऐसा कर देंगे। तो पूरे जीवन में लगातार अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम ऑफिस में कह देते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं जाते, कई सारे ऐसी बहानेबाजियाँ कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये छोटे मोटे धोखे ही तो हैं और हम इस पर कभी इतराज़ नहीं करते। हाँ ठीक है, ऐसा ज़रूरी था इसलिए किया। आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में दिखाता है कि एक हीरो जो है, जो नायक है, वो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के काम करता है। वो अपने दोस्तों की गाड़ियाँ लेता है, अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, और कुछ पैसे वैसे भी उधार लेता है, और हीरोइन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो इम्प्रेस कर भी ले जाता है। बहुत बाद में जाकर आखिर में ये बात खुलती है, और जब खुलती है तो जो नायिका है वो बहुत नाराज़ हो जाती है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुमसे मेरी नहीं बनेगी। लेकिन तब नायक कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुमको खो देता। और हम सब क्या करते हैं? हम सब सिनेमा हॉल में बैठे नायक को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वो प्रवृत्तियाँ हैं, और हमको जब वो छवि दिखाई देती है हम उसके समर्थक हो जाते हैं। नायिका को भी लगता है कि चलो इसने कम से कम मेरी चाहत में तो इसने धोखा दिया ना भाई, मुझे पाने के लिए इसने ऐसा किया है, ये प्रेम की पराकाष्ठ है। और फिर नायिका नायक को माफ़ कर देती है, और हम लोग तो वैसे ही माफ़ किए बैठे हैं। तो ये सामान्य जीवन में भी आप देखेंगे कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, तो हम धोखा तो दे रहे हैं ना। एडवर्टीजमेंट की पूरी दुनिया किस चीज़ पर टिकी है? आपको बताया जाता है कि आप ये क्रीम लगाएं और आप गोरे हो जाएंगे, और आप क्रीम खरीदते हैं। गोरे होने का तो पता नहीं भाई, लेकिन आपको बताया ऐसा ही जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, आम जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे बिजनेस में, छोटे छोटे व्यवहार में हम इन चीज़ों को देखते हैं, पर हम उसको नोटिस नहीं करते। नोटिस कब करते हैं? जब बहुत पर्सनल लेवल पर कोई ऐसी चीज़ होती है और हमें लगता है ओहो मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक बहुत ही मौजू कहानी स्टीव जॉब के जीवन से।
स्टीव ने बिल गेट्स पर आरोप लगाया था कि जब एक आइडिया वो उनसे शेयर कर रहे थे, पहले वो दोनों मित्र थे, तो चालाकी से बिल गेट्स ने उसको एक्सक्यूट कर दिया और बेचारे स्टीव सोचते रह गए कि इसको हम एक्सक्यूट करेंगे, और इस वजह से दोनों में मनमुटाव हो गया, दोस्ती थोड़ी तलखी में बदल गई। वही स्टीव जॉब ने, स्टीव वाइजनर के साथ क्या किया, जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तो उन्हें छोटा सा काम मिला था, और काम ये था कि किसी गेम की सर्किट कुछ कम करनी थी, तो उन्होंने वाइजनर से कहा कि देखो यार इसको कर लेते हैं और इसमें अच्छा सा पैसा मिल जाएगा, $700 करीब इसमें हमें मिलेगा, तो हम लोग आधा आधा मार लेंगे। स्टीव ने कहा बिल्कुल ठीक है। स्टीव ने फटाफट, स्टीव तो वैसे भी वैज्ञानिक माइंड के आदमी थे और कंप्यूटर साइंस के तो मास्टर थे, तो उन्होंने फटाफट इसको कर दिया और फिर आधा आधा हिस्सा तो बढ़ गया। बाद में वाइजनर को पता चला कि स्टीव जॉब को तो इस बात के लिए $5,000 मिला था और स्टीव ने उनसे झूठ बोला था। स्टीव जॉब को $5,000 मिले और उन्होंने $350 वाइजनर को दिया। नेचुरली धोखा तो है, दुख तो हुआ होगा, लेकिन बावजूद इसके दोनों में वो जो कॉपरेशन की प्रवृत्ति, जब हम कभी बहुत मुश्किल में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत छोटापन डेवलप होने लगता है, गरीबी में, किसी बेचारगी में, किसी लाचारगी में, इन्फीरियरिटी में, और कभी कभी इनसिक्योरिटी में हम छोटे स्टेप उठा लेते हैं। ऐसा स्टीव के साथ हुआ होगा, लेकिन कहानी इससे बड़ी है, क्योंकि स्टीव जॉब और स्टीव वाइजनर लगातार दोस्त बने रहे और इसीलिए एप्पल की कहानी महान कहानी है। पर वही स्टीव जॉब के साथ क्या हुआ आगे चल के, जब वो केली को लेकर आए एप्पल में, उन्होंने सोचा कि ये मार्केटिंग का आदमी है, ये बहुत अच्छा करेगा, और केली ने क्या किया, स्टीव जॉब को ही बाहर का रास्ता दिखाया। क्या है जिंदगी, स्टीव जॉब जब वापस लौटकर एप्पल में आए तो उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आर्च राइवल बिल गेट्स को फ़ोन किया। पहला कॉल जो उन्होंने किया वो बिल गेट्स को किया और कहा कि अगर एप्पल ही नहीं रहेगा तो तुम मुकाबला किससे करोगे। और वो बिल गेट्स जिन पर स्टीव ने यह आरोप लगाया था उनकी चीज़ें चुराने का, उन्हीं बिल गेट्स ने एप्पल में एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की। तो ये है ज़िंदगी की कहानी, कभी किसी पर दोषारोपण, कभी किसी का सहयोग, ऐसे ही तो है।